और आजम खान को हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। वक्फ संपत्ति घोटाला मामले में उनको राहत नहीं मिली है। आजम ने प्राथमिकी रद्द करने की याचिका दायर की थी, लेकिन उन्हें कोई भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, आजम खान को फिलहाल तो राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उन्होंने आजम खान ने प्राथमिकी रद्द करने की याचिका दायर की थी। फिलहाल हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान को हाईकोर्ट से भी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वक्फ संपत्ति घोटाला मामले में कोई राहत नहीं मिली। दरअसल आजम खान ने प्राथमिकी रद्द करने की याचिका दायर की थी, जिस पर कोई भी राहत आजम खान को नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। दरअसल आजम ने गिरफ्तारी पर रोक की मांग की थी। आजम पर रामपुर में कई केस दर्ज हैं। 14 नवंबर को अग्रिम जमानत पर सुनवाई होगी। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मोइन, हाई कोर्ट से भी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है आजम खान को, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में, जरा विस्तार से आप बताएं। बिल्कुल, देखिए, आजम खान के खिलाफ रामपुर में ढाई महीने से लेकर अब तक कई मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से 27 मामलों में उनको राहत मिल चुकी है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है और कुछ और मामलों को लेकर, खासकर जिसमें से वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ था, उस मामले में FIR क्वैश करने के लिए और अग्रिम जमानत के लिए वो इलाहाबाद हाईकोर्ट आए थे। आज 3 मामलों की सुनवाई हुई होनी थी, इस मामले में हुई भी है आज, लेकिन अदालत ने सीधे तौर पर उनको कोई राहत नहीं दी है। इस मामले में जो काउंटर एफिडेविट की प्रक्रिया होती है, अदालत ने उसका पालन करवाया है। सभी पक्षों से, उत्तर प्रदेश सरकार से, रामपुर पुलिस से जवाब मांगा है और जवाब आने के बाद अदालत इस मामलों में 14 नवंबर को फिर से सुनवाई करेगी और तब ये तय करेगी कि उनको अग्रिम जमानत दी जाए या नहीं दी जाए। कहा यह जा सकता है कि फौरी राहत उम्मीद आजम खान ने पाल रखी थी, वो उनकी पूरी नहीं हुई और आज उनको कोई फौरी राहत नहीं मिली है। बिल्कुल, कोई भी फौरी राहत आजम खान को नहीं मिली है, हालांकि अग्रिम जमानत पर अभी सुनवाई होना बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद मुईन, तमाम जानकारी के लिए।